चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब लोग सही होंगे। आज हम एक ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग के साथ साथ एक कहानी भी सुनाने वाला हूँ, जो कि एक सच्ची घटना भी हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन देखा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा पढ़ा है, उसी के आधार पर मैं आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ। जो कि ये कहानी है, एक हमारे जो हमारी देवियाँ थी, जो कोई कहता है 7 देवियाँ हैं, कोई कहता है 9 देवियाँ हैं, तो उन देवियों के बारे में सुनाने वाला हूँ मैं आपको। और ये जो देवियाँ थीं, जो हमारे राजा थे, राजा एक बेनी, जो मैंने सुना है और कहीं कहीं पढ़ा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे क्लियर भी नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपका ब्लॉग के साथ साथ मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ। तो ये राजा बेनी जो थे, तो इसी जंगल में निवास कर रहे थे, जहाँ के मैं आपको भी। बेनी की जो थी 7 पुत्रियाँ थीं, कोई कहता 9 पुत्री थीं, लेकिन मुझे भी नहीं पता कितनी पुत्री थीं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सुना है देखा है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बता रहे 7 पुत्री थीं, जो कि इसी जंगल में आज से हज़ारों नहीं, कम से कम 2-3 हज़ार साल पहले की बात होगी शायद, क्लियर मुझे कन्फर्म नहीं है। तो ये कहानी है उस समय की। तो वो राजा जो थे इसी जंगल में रहते थे, और मतलब जंगल में क्या, उस टाइम पर मतलब सभ्यता इतनी नहीं थी, तो यहीं पर रहते थे। और उन्होंने मतलब जो है इसी जंगल में बहुत सी जगह पे अपना स्थान बनाया, अपने मतलब रहने के लिए कुछ मतलब घर मकान वगैरह वगैरह बनाए थे। और उनकी जो पुत्रियाँ थीं, 7 देवियाँ थीं, तो देवियों के जो नाम तो शायद आप लोगों को पता, लेकिन मुझे कन्फर्म क्लियर नहीं क्या नाम है क्या नाम नहीं, वही मैं मतलब देख रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ की सुंदरता देख रहे हैं, यहीं पे राजा बेनी रहते थे। और राजा बेनी के मैंने और सी बहुत सी वीडियो बनाई हैं, जब मैं मंदिर वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे लोग कहते हैं राजा बेनी का किला है, राजा बेनी का किला है, राजा बेनी का किला है, तो उस हिसाब से मैं आपको सुना रहा हूँ। अब हालाँकि अगर हम पे कहीं पर कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दें, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन एक कहानी है, एक सच्ची घटना पे है, और मैंने बहुत सी वीडियो इसके लिए बनाई हैं, लेकिन आज मैं इस जंगल का ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जंगल के ब्लॉग के साथ साथ मैं आपको कहानी सुनाऊँ। तो इससे लिए एक मैंने वीडियो पहले भी बनाई है राजा बेन की, जो बहुत ही खूबसूरत, एक नहीं बड़ी 5-6 वीडियो बनाई है मैंने, लेकिन इसका जो इससे पहले का जो पार्ट था उसमें मैंने राजा बेनी की जो पुत्री एक दुर्गा माता थी, दुर्गा माता, और जो दुर्गा माता की मैंने मतलब मंदिर की टेंपल की बाकी वीडियो शूट की है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है वहाँ का, और वहाँ पे बहुत सी पुरानी पुरानी मैंने मूर्तियाँ देखी हैं, बहुत बहुत पुरानी मूर्ति देखी हैं, वो मूर्ति मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत दिखाई भी हैं। और यहाँ जो माता थी मतलब अपने 7 बहनों के साथ इसी जंगल में रहती थी, और वो मैंने बहुत जगह पे मतलब कहाँ कहाँ रहती थी, मैंने जहाँ तक मतलब हर जगह का तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया हूँ, और शायद अगर आप लोगों का सहयोग रहे तो मैं बना दूँगा, शायद बल मेरे बस का रोक तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ इसके लिए, तो वही मैं मतलब अपने तरफ से कहना चाह रहा हूँ। और ये जो मैं वीडियो आज का बना रहा हूँ, अब जो बहुत ही मेहनत करके बना रहा हूँ, बहुत ही डेंजरस ब्लॉग है, बहुत ही ख़तरनाक ब्लॉग है, और आपने माता का मंदिर ना देखा हो, दुर्गा माता का मंदिर नहीं देखा हो, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, और आप ये पार्ट 3 है शायद, तो उसका पार्ट 2 और पार्ट 1 देख सकते हो, जिसमें माता का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ ही साथ दूसरी जगह पे एक गया था, जहाँ पे बहुत ही मतलब एक मतलब शेर वगैरह रहते हैं वहाँ पे, और मैंने अजगर की भी वीडियो बनाई है, अजगर एक बहुत ही मोटा अजगर था, उसकी भी वीडियो बनाई है, और वो वीडियो मतलब आप देखना चाहें तो चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो मैं अभी जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मतलब जंगल ही है, और बिल्कुल नदी है, पास में नदी बह रही है, और यहाँ पे मतलब मगरमच्छ या शेर वगैरह आते हैं मतलब जलपान करने के लिए, लेकिन मैंने काफ़ी सिक्योरिटी के बाद जांच पड़ताल करने के बाद इस जंगल में प्रवेश किया है, तो उसी हिसाब से काफ़ी सावधानी बरतने के बाद मतलब मैं चल रहा हूँ, लेकिन जो हमारे साथ एक बंदा चल रहा है, हमारे साथ जो मतलब हमारा गाइड चल रहा है, तो इसको इस क्षेत्र के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हैं, तो इसके लिए तभी मैं यहाँ, वैसे अकेले मेरा बस का रोग नहीं था कि मैं अकेले यहाँ पर आ सकता था, लेकिन मजबूरी है, अकेले मतलब नहीं आया, तो मतलब जो है मैंने जैसे ही देखा हो, यहाँ की इस जंगल की बहुत सी और भी सच्ची कहानियाँ हैं। एक तो कहानी मैं आपको छोटे शॉर्ट में सुना रहा हूँ,
मतलब इस जंगल से रात के समय में तीन बंदे गुजर रहे थे और गुजरने के समय उनको रास्ते में एक जगह पे शेर मिल गया, तो उस शेर ने दो बंदों को तो मतलब खा लिया और एक बंदा जो था पेड़ पे चढ़ गया था तो वो बहुत ही मुश्किल से बचा। एक सच्ची घटना है हमारे दुरिया कला रेंज की, रेंज जो दुरिया कला रेंज है वहाँ की एक सच्ची घटना है, बिल्कुल मिथ्या नहीं है। और ये भाई जल्दी की बात ही थी, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन अब मतलब जो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जंगल से और काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मेरा जो गाड़ी वड़ी गाड़ी से आया फोर व्हीलर नहीं थी, बाइक से आया था। मैंने बाइक से सूट अच्छा होता है लेकिन डेंजरस सूट है, तो आप लोगों के लिए करना पड़ता है। और आपको ये वीडियो हमारी कहानी जो है अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करो। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करो भाई, शेयर करोगे तो आपको भी देखने को मिली, दूसरे को भी देखने को मिली। आप लोग शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो, दिल से कहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए बंदे हैं भाई सब्सक्राइब कर लें, पुराने बंदे भैया धन्यवाद दिल से करता हूँ। और हमारा जो आज का ब्लॉग था तो आज का तो ब्लॉग यहीं तक का था, क्योंकि अब हम शायद अब दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा ब्लॉग लेकर आएंगे। हम अपनी तरफ बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। और अब चलते हैं, अब हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के लाएंगे, जब तक लिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, ज़रूर ज़रूर ज़रूर।